हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास टेंथ में वर्कशीट 22 मैथ्स की वर्कबुक में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है 7 चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु x1 y1 x2 y2 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 मतलब ये x1 हो गया और 0 x2 हो गया बटे में 2 y1, ये y1 हो गया प्लस y2 बटे में 2, तो 4 बटे 2 ये 2 आ जाएगा, 4 बटे 2 ये भी 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे रखे हैं, a दे रखा है माइनस 2 माइनस 1, बी दे रखा है ए कोमा जीरो, इसको छोटा ही लिख देते हैं, सी दे रखा है 4 कोमा बी और डी दे रखा है हमें 1 कोमा 2। तो समांतर चतुर्भुज समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, तो क्या हो जाएगा, ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। तो ए सी का मध्य बिंदु ये, इसमें से मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 बटे में 2 x1 प्लस x2 बटे में 2 और माइनस 1 प्लस बी बटे में 2 बराबर, बी डी का मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो आ जाएगा ए प्लस 1 बटे में 2 0 प्लस 2 बटे में 2। तो हमारे पास आ जाएगा, जब पहले कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 2 बटे 2 बराबर ए प्लस 1 बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो ए प्लस 1 बराबर 2, तो ए बराबर 2 माइनस 1, ए का मान आ जाएगा 1, मतलब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा बी 1। तो हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। तो ए सी का मध्य बिंदु बी डी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में 2, वाई वन प्लस वाई टू बटे में 2, बी डी का मध्य बिंदु एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में 2, वाई वन प्लस वाई टू बटे में 2 आ जाएगा 2 और 2 बटे 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पहले कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिया एक्स निर्देशांक को तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। चौथा क्वेश्चन है, 4 कोमा माइनस 3, ये 4 कोमा माइनस 3 है और ये 8 कोमा 5 है, 3 अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो 3 को 8 से गुना करेंगे आ जाएगा 24, 1 को 4 से गुना करेंगे प्लस में 4 बटे में 3 प्लस 1, दूसरा बिंदु हो जाएगा 3 को 5 से गुना करेंगे आ जाएगा 15, 1 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 बटे में 3 प्लस 1, तो 28 बटे 4 आ जाएगा 7 और 12 बटे 4 आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इस टाइप से हमने करना है, आर को ले लिया एक्स वाई, एक्स क्या हो जाएगा एम वन एक्स टू, एम टू एक्स वन बटे में एम वन प्लस एम टू, 3 प्लस 1 4, तो जब इनको गुना करके जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा, ऐसे ही एम वन मतलब 3 को 5 से गुना करेंगे, 1 को माइनस 3 से बटे में 3 प्लस 1, 15 माइनस 3 12, 12 बटे 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मतलब 7.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी 5 इकाई है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो AB का मान हमारे पास है 5, मतलब x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस 0 माइनस P का वर्ग बराबर 5, वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, या जाएगा माइनस 3 का वर्ग आ जाएगा 9 प्लस पी स्क्वेयर बराबर 25, तो पी स्क्वेयर बराबर आ जाएगा 16, तो पी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा। एम ए बी का मध्य बिंदु है तो बी का मान मतलब एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, तो 2 बराबर आ जाएगा एक्स प्लस 4 बटे में 2, ठीक है, तो आ जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 4 प्लस बराबर एक्स प्लस 4, 4 से 4 कट गया, x का मान आ गया 0, ऐसे ही क्या आएगा 0 बराबर, मतलब जो y बिंदु है ये y1 प्लस y2 बटे में 2, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 प्लस y, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 3। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, ए बी बराबर 5, यहाँ मान रख दिया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 9 माइनस का 3 हो गया, माइनस का p हो गया, वर्ग कर देंगे तो 5 का वर्ग हो गया यहाँ 25, वर्गमूल हट गया 3 का वर्ग 9, p का वर्ग p स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर प्लस होता है,
तो पी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4। छठा क्वेश्चन है, मध्य बिंदु दे रखा है, तो ये मध्य बिंदु ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू 4 प्लस एक्स बटे 2 वाई वन प्लस वाई टू बटे में 2 बराबर 0। तो 2 इधर जाके गुना हो जाएगा 4, तो एक्स का मान आ जाएगा 4 माइनस 4 एक्स बराबर 0, 3 प्लस वाई बराबर 0 वाई का मान आ जाएगा माइनस का 3। के अनुपात 1 में अंतर विभाजित करते हैं, तो पी के निर्देशांक लिखने हैं। एक बिंदु के निर्देशांक है एक्स वन वाई वन और बी के हैं एक्स टू वाई टू, ठीक है। बिंदु पे है जो इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो क्या आ जाएगा के एक्स टू और 1 को एक्स से 1 करेंगे तो प्लस एक्स वन बटे में के प्लस 1, ऐसे ही एम वन वाई टू के वाई टू प्लस 1 वाई वन बटे में एम प्लस 1, मतलब के प्लस 1 एम वन प्लस एम टू। अगला पूछा किस अनुपात में विभाजित करते हैं, माइनस 3.10 ये तो ले लेते हैं पी, और क्यू को ले लेते हैं 6.-8 और बिंदु आर ले लेते हैं -1.6 और ये मान लेते हैं के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, तो एम वन एक्स टू मतलब 6 के और 1 को -3 से क्या -3 बटे में के प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, तो आ जाएगा 6 के माइनस 3 ये तिरछा गुना करेंगे तो -1 -1 तो आ जाएगा 6 के प्लस के -1 + 3 तो आ जाएगा 7 के बराबर 2, तो k का मान आ जाएगा 2/7 मतलब 2:7। ये सातवां क्वेश्चन है, देखो m1 x2 k अनुपात 1 में मानना, तो m2 x1 बटे में k plus 1 सीधा फॉर्मूला ही है। आठवां क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं p और q बिंदु आर, इसको के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, तो हम क्या करेंगे जो एक्स निर्देशांक है उसके बराबर करेंगे, के को 6 से गुना किया, 1 को -3 से किया, के प्लस 3 1 तिरछा गुना कर दिया, यहाँ ले आए अंदर गुना कर दिया, ब्रैकेट खोल दी, दोनों के चिन्ह चेंज हो गए, तो क्या होगा माइनस के 6 को लेफ्ट में ले आए, माइनस 6 के 1 को उधर ले गए प्लस में हो गया, -7 के बराबर -2 तो यह आ जाएगा के बराबर 2/7 अनुपात आ जाएगा 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ए के निर्देशांक निकालने हैं हमने, ठीक है, तो ये वृत्त है ना, तो ओ तो वृत्त का केंद्र है और केंद्र क्या होता है मध्य बिंदु पर होता है, तो ए बिंदु को हम ले लेते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इस बार ओ मध्य बिंदु है तो हम क्या करेंगे एक्स वन एक्स प्लस एक्स टू बटे में 2 मतलब x प्लस 1 बटे में 2 ये बराबर आ जाएगा 2 और y 1 प्लस y2 का मान 4 है बटे में 2 और ये आ जाएगा -3 तो आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 4 तो x का मान आ गया 3, y प्लस 4 बराबर आ गया -6 तो y का मान आ गया -10 तो जो a बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 3-10। ऐसे ही दसवां क्वेश्चन है y का मान ज्ञात करना है, ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए सिर्फ हम y कोऑर्डिनेट वाला ही करते हैं y1 + y2 / 2 = y, ठीक है, तो आ जाएगा -8/2 = y तो y का मान आ जाएगा -4। ऐसे ही ग्यारहवां क्वेश्चन है PQ का मध्य बिंदु हो के तो क्या कहते हैं xy का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा x1 + x2 मतलब +2/2 = 5 और y + 3/2 = 4 तो x + 2 = 10 तो x का मान आ गया 8 और ऐसे ही y + 3 = 8 y का मान आ गया 5 तो बिंदु आ जाएगा 8.5। देखो ऐसे ही नौवां क्वेश्चन है हमारे पास, O मध्य बिंदु है तो केंद्र निकालना है, ठीक है, व्यास का, तो आ जाएगा x1 + x2 / 2 और बराबर में x निर्देशांक और y1 + y2 / 2 = y निर्देशांक, इसको हल किया 2 को 2 से इधर गुना कर 4 और आ जाएगा -6 तो 4-1 = 3 हो गया, -6 - 4 - 10 तो जो बिंदु A आ जाएगा वो आ जाएगा 3-10। दसवें y के निर्देशांक निकालने, तो मध्य बिंदु दे रखा है तो हम ये y1 + y2 / 2 = y तो y बराबर आ जाएगा -8/2 मतलब -4। ग्यारहवें में P निकालना है
के मध्य बिंदु दे रखे तो आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में दो बराबर पाँच, वाई वन प्लस वाई टू, वाई प्लस तीन बटे में दो बराबर चार। तो दो को इधर गुना के दस हो जाएगा, एक्स बराबर दस माइनस दो, एक्स बराबर आठ और वाई बराबर यहाँ आ जाएगा पाँच। बारहवां क्वेश्चन है ए बी का मध्य बिंदु दे रखे हैं तो ए तो है माइनस दो कोमा पाँच और बी हमारे पास है माइनस पाँच कोमा वाई और इसका ये मध्य बिंदु दे रखा है मतलब पाँच वाई वन प्लस वाई टू बटे में दो, तो इसका वाई निर्देशांक है तीन तो आ जाएगा पाँच प्लस वाई बराबर छः, तो वाई का मान हमारे पास आ गया एक। तो ये जो बिंदु बी है ना ये बन जाएगा माइनस पाँच कोमा एक। अब इन दोनों के मध्य दूरी निकालनी है, ये भी पूछा हुआ है कि ए व बी के मध्य में दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए बिंदु तो अब हमारे पास है माइनस दो कोमा पाँच और बी बिंदु है माइनस पाँच कोमा एक, इसके बीच में दूरी निकालनी है ए बी, तो आ जाएगा माइनस पाँच प्लस दो का वर्ग, एक माइनस पाँच का वर्ग तो आ जाएगा माइनस तीन का वर्ग प्लस माइनस चार का वर्ग, यह आ जाएगा नौ प्लस सोलह और यह आ जाएगा पच्चीस, अंडर रूट पच्चीस मतलब पाँच। तो देखो ए बी का मध्य बिंदु पी दे रखा है तो हमने वाई निर्देशांक ले लिया पाँच प्लस वाई बटे दो तीन, पाँच प्लस वाई बराबर छः और वाई का मान आ जाएगा एक। ए बी के मध्य दूरी निकालनी है ए और बी, ए बी आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर माइनस पाँच प्लस दो होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस तीन का वर्ग प्लस माइनस चार का वर्ग, नौ प्लस सोलह पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल आ जाएगा पाँच। माध्यिका ए डी की लंबाई निकालनी है तो माध्यिका है तो डी मध्य बिंदु होगा तो डी के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे जीरो माइनस पाँच बटे में दो और अगला आ जाएगा चार प्लस तीन बटे में दो। तो जो डी के निर्देशांक आ गए वो आ गया माइनस का पाँच बटे दो और सात बटे दो। अब ए डी की लंबाई क्या आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब माइनस पाँच बटे दो माइनस वन का होल स्क्वायर सात बटे दो, वो माइनस वन है तो ये प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस सात बटे दो का होल स्क्वायर और ये बनेगा नौ बटे दो का होल स्क्वायर, ये बनेगा उनचास बटे चार प्लस इक्यासी बटे चार, ये आ जाएगा अंडर रूट एक सौ तीस बटे में दो, चार का वर्गमूल आ जाएगा दो। तो ये देखो डी मध्य बिंदु निकाले, डी मध्य बिंदु तो एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में दो, वाई वन प्लस वाई टू बटे में दो, तो ये डी बिंदु आ गया। उसके बाद ए और डी के मध्य दूरी निकाली हुई है तो ए और डी के मध्य दूरी क्या आ जाएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन प्लस वन का हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो पाँच माइनस पाँच माइनस दो सात प्लस दो बटे में दो, तो आ जाएगा उनचास बटे चार, इक्यासी बटे चार, एक सौ तीस बटे चार अंडर रूट और चार का वर्गमूल हो गया दो। नेक्स्ट है अंतः विभाजित करते हुए अनुपात निकालना है, तो इस बिंदु को तो ये बिंदु है हमारे पास माइनस पाँच कोमा माइनस चार और ये बिंदु है माइनस दो कोमा तीन और ये बिंदु हमें दे रखा है माइनस तीन कोमा पी। हम मान लेते हैं के अनुपात एक में विभाजित करते हैं तो पहले अनुपात निकाल लेंगे तो आ जाएगा माइनस तीन, ये आ जाएगा एम वन एक्स टू मतलब माइनस दो के वन को माइनस फाइव से क्या माइनस पाँच बटे में के प्लस वन, तो यह आ जाएगा अंदर गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस तीन के माइनस तीन माइनस दो के माइनस पाँच, तो आ जाएगा माइनस तीन के प्लस दो के माइनस पाँच प्लस तीन, तो आ जाएगा माइनस के बराबर माइनस दो, तो के का मान आ जाएगा दो, तो जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा दो अनुपात एक। ऐसे ही हम फिर अगला बिंदु निकालेंगे पी, ये आ जाएगा एम वन वाई टू मतलब थ्री के एम टू वाई वन बटे में के प्लस वन, तो यहाँ के की जगह हम दो रख देंगे तो आ जाएगा तीन गुना दो माइनस चार बटे में दो प्लस वन, छः माइनस चार आ जाएगा दो बटे में तीन, तो ये पी का मान आ गया। इस टाइप से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लो फोर्टीन्थ क्वेश्चन का। अब देखो हमने ये के अनुपात एक मान लिया तो ये आ जाएगा माइनस तीन मतलब एक्स निर्देशक एम वन वाई टू एम टू वाई वन बटे में एम वन प्लस एम टू, तिरछा गुना कर दिया ये ठीक है, दो के को लेफ्ट में लाए तो प्लस का दो के माइनस तीन, दो जाके प्लस का तीन माइनस के बराबर माइनस दो, के बराबर दो, अनुपात आ गया दो अनुपात एक। ऐसे दूसरा बिंदु वाई निर्देशांक क्या आ जाएगा, तीन के माइनस चार बटे में के प्लस वन, के की जगह दो रख दिया, छः माइनस चार बटे तीन, तो आ जाएगा दो बटे तीन। ओके थैंक यू।